लंबे इंतजार के बाद कटनी में लोक निर्माण विभाग सेतु के तत्वाधान में 15 साल बाद चांडक चौकी कटनी नदी पुल का उद्घाटन किया गया। पुल का उद्घाटन कन्या उसका मालिक के हाथों कराया गया। बता दें कि इस अवसर पर विधायक संदीप जायसवाल व नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस पुल निर्माण की शुरुआत 2007 में की गई थी। निर्माणाधीन पुल का स्लैब धसक गया था, जिसके चलते 4 वर्ष पूर्व इसी आधे अधूरे पुल के स्लैब को बम से उड़ाना पड़ा। इसके बाद दोबारा इस पुल के निर्माण की शुरुआत की गई, लेकिन पुल को शुरू करने की जल्दबाजी में पुल की कई तरह की खामियां भी सामने आ रही है। पुल के अप्रोच रोड धूल भरे गुब्बार से भरी है। पुल का किनारा बाउंड्री तक पूरा नहीं हुआ है और ना ही बीच सड़क पर खड़े खंभे पहुंचाया गया। ऐसे में पुल का उद्घाटन और जल्दबाजी में शुरू करने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ये जल्दबाजी लोगों के लिए मुसीबत ना बन जाए। ये ब्रिज का उद्घाटन असल में होना ही नहीं चाहिए था। ऐसा इसको बनाया है, आधी रोड छोड़ दी गई है, बीच में पिलर खड़ा हुआ है और अभी हमारे शहर के प्रशासन और माननीय जनप्रतिनिधि जो है वो बोल रहे हैं रोड सीधा है, जो कि रोड सीधा बिल्कुल भी नहीं है। ये शहर की जनता के साथ आपको रोड चालू करना था तो विधिवत पूरा आपको बना के पूरी अप्रोच रोड दोनों साइड से अप्रोच रोड बना के आपको जो है इसको चालू करना था। आपने जल्दबाजी में इसको चालू कर दिया गया है। बड़ी मुश्किल से ये पुल बना है और इसीलिए आज बिटिया से यशका मलिक जी से आज उसका उद्घाटन करवाया गया है। और मुझे लगता है कि इतने व्यस्त ट्रैफिक में और इतने विलंब से बनने वाले पुल के लिए इंतज़ार करना उचित नहीं था। कलेक्टर साहब से चर्चा की गई, कलेक्टर महोदय भी आने वाले थे, लेकिन एकाएक वीसी की खबर आ गई तो उन्हें लौटना पड़ा। इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बड़े विलंब से, लेकिन उसके कारण है विलंब के, तकनीकी समस्या आ रही थी और यह पुल आज चालू